जय श्री राम प्यारे भक्तों, राम जी की इच्छा अनुसार यह वीडियो आपको अभी मिली है। आप बहुत सौभाग्यशाली हो। आप लोग जानते हैं कि जब आपका प्रिय पुत्र आपसे रोटी मांगता है तो आप रोटी के बदले पत्थर, पानी के बदले कोई और चीज़ नहीं देते। जब आप ही ऐसा नहीं करते तो परमपिता से आप दर्शन मांगे तो क्या परमात्मा और कुछ देगा? क्या ईश्वर न्याय नहीं करता? सांसारिक पिता के पास यदि रोटी न हो तो कहेगा ठहरो, पर परमपिता परमात्मा के पास तो हर समय प्रत्येक वस्तु मौजूद है। पर भगवान को चाहता ही कौन है? क्या आप ऐसा समझते हैं कि ईश्वर को सारा संसार चाहता है और पाता नहीं? ऐसा कभी नहीं हो सकता। मान लो किसी घर में कोई चोर रहता है, पास वाली कोठरी में कीमती मणि या लाल रखा है, बीच की दीवार भी बहुत कमजोर और पतली है। चोर को किसी तरह लाल या मणि का पता लग जाता है। विचार करो, ऐसे अवसर पर चोर की क्या हालत होगी? जब तक वह उसे प्राप्त ना कर ले तब तक उसे रात में नींद कहाँ आएगी? खाना और आराम करना उसके लिए हराम हो जाएगा। चोर का मन इसी उधेड़ बुन में लगा रहेगा कि उस मणि को कैसे प्राप्त किया जाए। वह हर पल यही विचार करेगा कि किसी प्रकार इस पतली दीवार को तोड़ डालूं और मणि को निकाल लूं। वास्तव में मनुष्य को क्या ऐसा विश्वास है कि आनंद और महिमा के आधार पर स्वयं भगवान यहाँ उपस्थित हैं? नहीं। यदि ऐसा विश्वास हो जाता तो क्या वह उन्हें प्राप्त करने की चेष्टा न करके साधारण सांसारिक कर्मों में फंसा रह सकता? जब मनुष्य को पूरा पूरा यह विश्वास हो जाता है कि ईश्वर है, तब वह उसे पाने की आकांक्षा में पागल हो उठता है। परंतु यो तो सभी लोग किसी एक ढंग से जीवन बिता ही रहे हैं। जब कोई मनुष्य निश्चित रूप से यह जान जाता है कि जिस भांति यह जीवन बीत रहा है इससे बहुत अच्छा जीवन बिताया जा सकता है, तो मनुष्य उसी की खोज करता है। जब मनुष्य यह समझ जाता है कि आत्मा अविनाशी और आनंद स्वरूप है तथा उस नित्य आनंद की तुलना में जड़ देह का आनंद कोई चीज नहीं है, तब वह उस आनंद को पाने के लिए पागल हो उठता है। इस उन्मत्तता, पिपाशा या धुन को ही धर्म जीवन में जागरण कहते हैं। जब से ऐसी जागृति आती है तभी से धर्म जीवन प्रारंभ होता है। वास्तव में बात यह है कि ईश्वर को छोड़कर अद्भुत पांच तत्वों की खोज में या सांसारिक विषयों में ही जीवन को गंवाना नहीं चाहिए। हम लोगों को सदा यह याद रखना चाहिए कि ईश्वर ही प्रेम स्वरूप है। वह अद्भुत प्रेम संसार के मोह में या इन व्यापारों में नहीं है। सच्चा सुख तो केवल और केवल ईश्वर प्रेम है। ईश्वर को पाने पर ही मिलेगा, क्योंकि जिन सांसारिक भोगों को हम सुख मान लेते हैं, वास्तव में वो सुख नहीं है, वो दुख का कम हो जाना है। उसे हम सुख समझ लेते हैं और फिर कुछ दिनों के बाद वो सुख खत्म होता है, यानी फिर से दुख आ जाता है। तो अगर हमें परमानेंट सुख चाहिए, सच्चा सुख चाहिए, तो हमें ईश्वर को पाना ही होगा, क्योंकि वो सुख फिर कभी कभी खत्म ही नहीं होगा एक बार पा लेने के बाद। तो सुख वही होता है जिसकी तुलना में कोई दूसरा सुख ना हो। तो वो सुख तो केवल ईश्वर प्रेम है, ईश्वर को पाना है।
बाकी प्यारे भक्तों, अर्जी हमारी है और मर्जी आपकी है। अब हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय श्री राम प्यारे भक्तों।